हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटी चैनल। अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक बताऊंगी ना जिसकी वजह से जो बिगनर्स रहते हैं वो इसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ऐसी क्या 5 गलतियां हैं, ऐसी क्या 5 मिस्टेक्स है जो हर यूट्यूबर करता है जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप गूगल में या तो यूट्यूब पे भी सर्च लगाएंगे ना कि कैसे हम अपने चैनल को ग्रो करें, हम क्या गलतियां करते, तो आपको कई सारी टेक्निकल वीडियोज आ जाएगी। लेकिन ऐसी बेसिक बातें, बेसिक गलतियां है ना जो कोई नहीं बताता है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो न्यू यूट्यूबर है उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और जो मोनेटाइजेशन तक नहीं पहुंचे उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं ऐसी क्या 5 गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती की बात करें तो हम जो न्यू यूट्यूबर रहते हैं वो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जब भी हम चैनल बनाते हैं ना, एक वीडियो बना लेते हैं ना, तो हम सब्सक्राइबर ढूंढने लग जाते हैं। जो कोई मिलता है, जो अगर रिश्तेदार रहे, फ्रेंड सर्कल रहे या तो व्हाट्सएप ग्रुप रहे, सभी को बोलने लगते हैं कि ये मेरी चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। हर जगह हम सब्सक्राइबर ही ढूंढते हैं। ये जो है हमारी मेन गलती है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में या तो आप अपने रिश्तेदार को आप बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, वो आपकी रिस्पेक्ट रखने के लिए वो आपको मना तो नहीं करेंगे, वो सब्सक्राइब कर भी लेंगे। अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर भी हम क्या करते हैं कि उनका फोन लेके खुद ही अपने चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं कि जिससे हमारे काउंटिंग बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जिसे जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाया ना, उसको आपकी वीडियो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका वीडियो जिस टॉपिक पे है ना, उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो क्या होगा कि आप उसे सब्सक्राइब तो करवा लिए लेकिन वो आपकी वीडियो कतई देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उससे उसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक गलती हो गई। और सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, अगर व्यूज आएंगे तो ही आपको अर्निंग होगी, इसलिए सब्सक्राइबर हमें खुद से नहीं बढ़ाना है। और दूसरा ये भी फर्क पड़ता है कि वो आपकी वीडियो देखेंगे तो नहीं, अगर कभी देख भी ली ना तो क्या होगा कि अगर उसको वीडियो आ गई यूट्यूब पे तो वो क्लिक भी कर दिए, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपकी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। क्या होगा कि थोड़ा सा क्लिक करके, थोड़ा सा वीडियो देख के उसने वीडियो छोड़ दी। तो इससे क्या होता है ना कि CTR डाउन होता है, इसलिए आपकी वीडियो वायरल भी कभी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ये गलती करते हैं ना तो याद रखिएगा, आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होने वाली है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। उसके बदले अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो जिसको उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है ना, उस टॉपिक पे जिसको इंटरेस्ट होगा ना, वो आपकी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, जिससे आपका CTR भी अप जाएगा और वीडियो आपकी वायरल हो सकती है। और क्या होगा ना कि इससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि अगर हमारी वीडियो कोई 5 लोगों ने देखी ना, तो YouTube 10 लोगों को सजेस्ट करता है, 10 लोगों ने हमारी वीडियो देखी तो 20 लोगों को सजेस्ट करता है। उससे क्या होता है कि आपके पास जेन्युइन सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं जो आपकी वीडियो डेली देखेंगे। तो इस तरह से अगर लीगली जेन्युइन सब्सक्राइबर आपके पास रहे ना तो अच्छा है। इस तरह से आप सब्सक्राइबर तो कम्प्लीट कर लेंगे लेकिन वॉच टाइम कभी भी कम्प्लीट नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि कई यूट्यूबर्स रहते हैं ना जो क्या करते हैं कि अपने ही एक ही मोबाइल में कई सारी फेक जीमेल आईडी बना लेते हैं और उस जीमेल आईडी से बार बार अपनी वीडियो को वॉच करते रहते हैं। उनको लगता है कि जैसे हमने सब्सक्राइबर तो कैसे भी करके कम्प्लीट कर लिए, अब हम ऐसे करते हैं ना कि वॉच टाइम भी इस तरह से कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल भी आपका वैलिड नहीं गिना जाता है। इस तरह से आप कभी भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर सकते। और जो यूट्यूब के पास है ना, पूरी जानकारी रहती है कि आपने जेन्युइन तरीके से ये सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट किया है या तो आपने किसी गैर तरीके से कंप्लीट किया है, तो इस तरह से भी आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से फेक आईडी बना के बार बार अपनी वीडियो को वॉच नहीं करना है। इससे आपकी वीडियो कभी वायरल भी नहीं होगी या तो आपकी चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगी, और आप इस तरह से कभी भी वॉच टाइम कंप्लीट कर ही नहीं सकेंगे। तो ये भी दूसरी बहुत बड़ी गलती है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा सवाल ये भी रहता है, कोई लोग बोलते हैं हम तो इसलिए अपनी वीडियो को वॉच करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि स्क्रीन पे हमारा वीडियो कैसा दिखता है। तो देखिए, आपने वीडियो अपलोड की है तो ये वीडियो आपकी गैलरी में भी तो आपके पास होगी ही ना,
तो उसमें आप देख लीजिए आपने वीडियो बनाई क्यों है, अपने लिए बनाई है नहीं ना, तो आप बार बार वीडियो को वॉच क्यों करते हैं? आपने दूसरों को वीडियो दिखाने के लिए बनाई है ना, तो दूसरों को देखने दीजिए, बार बार आप वॉच क्यों कर रहे हैं? इस तरह से आपका सीटीआर भी डाउन होगा, आपकी वीडियो वायरल भी नहीं जाएगी और मोनेटाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और थर्ड मिस्टेक न्यू यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना कि वो रेगुलर कंटेंट नहीं बनाते हैं। क्या होता है ना कि वो दो चार वीडियो अपलोड कर देते हैं ना, तो उसपे कोई इतने व्यूज तो नहीं आते हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने तो कितनी वीडियो अपलोड कर दी, हमारे चैनल पे कोई व्यूज ही नहीं आता है, क्यों वीडियो बनाना। ये आपकी बहुत ही गलत सोच है, ऐसा नहीं सोचना है, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। कई यूट्यूबर्स ये भी करते हैं कि एक वीडियो आज अपलोड की, एक वीडियो सात दिन के बाद, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, उस तरह से भी रेगुलर नहीं रहते हैं ना, तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी चैनल पे। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, रेगुलर रहना है हमें यूट्यूब पे। अगर आप एक बार सक्सेस हो जाए ना, आपके पास लाखों सब्सक्राइबर हो गए और आपके डेली व्यूज बन गए ना, फिर अगर आप कभी गैप रख देंगे ना कि आप 8 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं या तो एक महीने पे या तो 15 दिन पे, तो भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप न्यू यूट्यूबर है, अभी मोनेटाइजेशन तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो आपके पास थोड़े बहुत सब्सक्राइबर ही है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जितने ज्यादा वीडियोस आप बनाएंगे ना, उतने आपके वीडियो सजेशन में आएंगे और क्लिक होंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, वॉच टाइम भी कम्प्लीट होगा। अगर मोनेटाइज है तो इससे अर्निंग में भी फर्क पड़ेगा। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में आने ही नहीं देना है। और किसकी वीडियो कब वायरल हो जाए क्या पता, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स रहते हैं ना, उसको भी नहीं पता होता है कि उसकी वीडियो कब वायरल होगी, कौन सी वायरल होगी, कौन सी वायरल नहीं होगी। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि इस वीडियो पे कितने व्यूज आने वाले, लेकिन अगर मैं ऐसा सोच के बैठ जाऊँ कि नहीं इस पे तो कोई इतने व्यूज नहीं आएंगे, या तो आएंगे या नहीं पता नहीं, तो मैं ये नहीं बना पाऊंगी। भले ही कोई व्यूज नहीं आए, अगर 20 व्यूज भी आए ना, तो भी कोई बात नहीं, इसमें से सिर्फ एक इंसान को तो सीखने को मिलेगा ना। इतना सोच के भी चलेंगे ना, तो भी आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। क्या पता आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाए। और अगर आपकी चैनल मोनेटाइज है, तो आपको सिर्फ अर्निंग को दिमाग में रख के चलेंगे ना, तो भी आप डिमोटिवेट हो सकते हैं कि इतने कोई व्यूज ही नहीं आते हैं, इसमें तो कोई इतने रिवेन्यू नहीं बनते हैं, इसमें तो इतना ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, और वीडियो हमें बनानी नहीं। ऐसा नहीं सोचना है, अर्निंग नहीं हो रही है कोई बात नहीं, हम सिर्फ अपने पैशन के लिए, अपनी खुशी के लिए वीडियोस बनाते हैं, अपनी खुशी के लिए हम वीडियोस अपलोड करते, ऐसा सोच के आप वीडियो बनाते रहेंगे ना, तो आपकी वीडियो जरूर से वायरल भी होगी और आप इसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग रख के चलना है। और दूसरा डिमोटिवेट होने का ये भी कारण हो सकता है कि कई यूट्यूबर्स जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद बार बार यूट्यूब स्टूडियो पे देखते रहते हैं, व्यूज आए कि नहीं, व्यूज आए कि नहीं, कितने व्यूज आए, ऐसे देखते रहते हैं ना, तो उसमें ज्यादा व्यूज नहीं होते हैं ना, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कोई व्यूज नहीं आया, 1 घंटा हो गया वीडियो अपलोड की है, सिर्फ 3 व्यूज, 2 आवर्स हो गए, सिर्फ 5 व्यूज, ऐसा करके डिमोटिवेट हो जाते हैं कि चलो वीडियो ही नहीं बनानी है। तो बार बार आपको YouTube स्टूडियो पे जाके नहीं देखना है, वीडियो अपलोड करके उसको भगवान भरोसे छोड़ दो, उसको वायरल होना होगा तो होगा, वरना कोई बात नहीं, नया वीडियो बनाने की तैयारी में लग जाओ, बार बार स्टूडियो देख के निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये गलती भी नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, रेगुलर रहना है, रेगुलर कॉन्टेंट बनाते रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी गलती, तो फोर्थ मिस्टेक हम क्या करते हैं, आजकल ये बहुत ही चला है कि पैसे दे के 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करवाते हैं। कई ऐसी एड भी हम देखते हैं ना, जिसमें बोलते हैं कि इतना पैसा दे के आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो, 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट कर लो, तो ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से आप अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर चलो मान भी लोगे, अगर आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आई, तो देखो आपने अगर आपने उस तरह से चैनल मोनेटाइज कर भी ली तो क्या होगा, देखिए उन लोगों ने अपने बिजनेस के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम तो कंप्लीट कर दिया कैसे भी करके, लेकिन क्या वो आपकी वीडियोस हर रोज देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। तो क्या होगा कि आपने ये कंप्लीट करके मोनेटाइजेशन करवा के आपने वीडियो अपलोड की, फिर आपकी वीडियो पे कोई व्यूज ही नहीं है, 2-3 व्यूज भी नहीं है, तो फिर आप सोचेंगे कि देखो हमने चैनल मोनेटाइज कर लिए, इतने पैसे देके हमने सब्सक्राइबर खरीदे, वॉच टाइम कंप्लीट किया, फिर भी हमारी वीडियो नहीं चल रही, वीडियो वायरल नहीं जा रही,
100% वायरल नहीं जाएगी क्योंकि आपने तरीका ही गलत आजमाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास जेन्युइन सब्सक्राइबर रहेंगे ना तो ही आपकी वीडियो वॉच होगी और तो ही आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि आपकी चैनल वही सब्सक्राइब करेंगे जिसको आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं ना उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है ना वो आपकी वीडियो कभी भी देखने वाले नहीं है। तो ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से पैसे देके हमें सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट कभी नहीं करना है। अगर आपकी चैनल को मोनेटाइज होने में जितना समय लगता है ना कोई बात नहीं, समय लगने दो, लेकिन जब आपकी चैनल मोनेटाइज होगी तो सब जेन्युइन तो होगा ना, तो उस तरह से लीगली प्रोसेस से चलना है। इस तरह से हमें पैसे देके चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की। कई यूट्यूबर्स फिफ्थ मिस्टेक ये करते हैं ना कि वो देखा देखी में आके वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि वो देखते हैं कि कोई है जो व्लॉग बना रहे हैं तो व्लॉग में उनको बहुत ही सक्सेस है, तो वो सोचेंगे कि देखो ना इसको व्लॉग में कितने सारे व्यूज आ रहे हैं तो हम भी आज से व्लॉग बनाना शुरू कर देंगे। उनको व्लॉग की कोई नॉलेज नहीं है फिर भी उसने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। आप दूसरों की देखा देखी करके कितने दिन कंटेंट बना पाओगे? चार वीडियो बना दी, पांच वीडियो बना दी, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लंबे समय तक आप उसमें नहीं चल सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अपना पैशन जो रहता है ना, खुद में जो क्वालिटी है ना उसको हमें पहचानना है कि हमारा पैशन क्या है, क्योंकि अगर आप पैशन से काम करते हैं ना तो आप इसमें कभी थकते भी नहीं है, कभी निराश भी नहीं होते हैं। अगर व्यूज ना आए ना तो भी आप निराश नहीं होते, कोई बात नहीं, कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें आप काम कर रहे हो। तो इस तरह से आपको जिस चीज में रुचि है ना उस पे आप वीडियोस बनाएं। जैसे कि आपको फैशन रिलेटेड बहुत ही जानकारी है, उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप फैशन रिलेटेड चैनल बना सकते हैं। या तो आप हाउस वाइफ है तो आपको अगर कुकिंग अच्छा सा आता है तो आप कुकिंग चैनल बना सकते हैं। आपको स्टीचिंग अच्छा आता है, आपको सिलाई काम अच्छा आता है तो आप सिलाई की चैनल बना सकते हैं। आपको गाना अच्छा आता है तो आप सिंगिंग की चैनल बना सकते हैं। आप एजुकेशन में अच्छे हैं तो इंग्लिश की चैनल बना सकते हैं। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है ना उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है तो आप इसमें सक्सेस जाएंगे, कभी थकेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से चलना है, किसी की देखा देखी में आके हमें उनके कंटेंट के वीडियो नहीं बनाने हैं। खास आपको बता दूं, अगर आप भी ऐसी गलती करने का सोच रहे हैं या ऐसी गलतियां करते हैं ना तो अभी से सावधान हो जाए, रुक जाइए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए वरना आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो रहती है ना वो भी हमारी सक्सेस में रुकावट बन सकती है, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। और इस पूरे वीडियो को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में बताऊं ना तो इतना ही कहूंगी कि हमें लीगली चलना है, हमें जेन्युइन तरीके से चलना है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप गलत वे से चलेंगे ना तो ही हमें प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपने वीडियोस अपलोड करते रहे, रेगुलर रहे तो भी आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी, यूजफुल रही है, जरा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और जो हमारे चैनल पर न्यू है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।